वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है रविवार और आज हम लोग देखेंगे रविवार की साप्ताहिक करंट अफेयर टेस्ट वीडियो। तो इस वीडियो में आपको हर बार की तरह 15 क्वेश्चन मिलेंगे और इन सभी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए और वीडियो के अंत में आप आंसर की दी गई है उससे आप अपने प्रश्नों के उत्तर को मैच करके आज आप कमेंट करिए आपके कितने सही हुए। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर 1 जुलाई 2018 का साप्ताहिक करंट अफेयर का टेस्ट वीडियो। तो यहाँ पर देखिए हर क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए और कॉपी पर इसका आंसर नोट करते चलिए और वीडियो के अंत में आपको इसकी आंसर की मिलेगी। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में IDBI बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, बी श्रीराम, के एस जैन, रमेश चंद्र या फिर आर श्रीवास्तव। तो यहाँ पर चार ऑप्शन में एक ऑप्शन यहाँ पर सही है और जो भी आपका ऑप्शन सही है आप उसको कॉपी पर नोट करते चलिए, वीडियो के अंत में आपको इसकी आंसर की जरूर मिलेगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, प्रियंका चोपड़ा का संस्करण अनफिनिश्ड किस वर्ष प्रकाशित किया जाएगा। ऑप्शन ए वर्ष 2018, ऑप्शन बी वर्ष 2019, ऑप्शन सी वर्ष 2020, ऑप्शन डी वर्ष 2021। तो इनमें से एक आंसर सही है। उम्मीद करते हैं अगर आपने पिछली सभी वीडियोस को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखा है तो आप इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न है, किस शहर में 7वां भारत खनिज और धातु मंच का उद्घाटन किया गया। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, मुंबई में, नई दिल्ली में, रांची में या फिर पटना में। ठीक है, तो इनमें से एक क्वेश्चन यहाँ पर इसका एक आंसर सही है। तो जो भी इसका आंसर है आप अपनी कॉपी पर नोट करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्री ने दुशांबे में स्वामी विवेकानंद संस्कृति केंद्र का उद्घाटन किया। ठीक है, तो चार ऑप्शन है, कौन से मंत्री ने किया, राज्यवर्धन सिंह राठौर, ऑप्शन बी जेपी नड्डा, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी नितिन गडकरी। ठीक है, तो यहाँ पर चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है और उम्मीद करते हैं आपके इन 15 क्वेश्चन बिल्कुल सही निकलेंगे क्योंकि अगर आपने पिछली वीडियोस को सही से देखा है तो आप सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी ICC के मानद अध्यक्ष कौन बने। तो चार ऑप्शन है, पॉल पोलमैन, दूसरा ऑप्शन है सुनील मित्तल, तीसरा ऑप्शन है नरेंद्र तयानी, चौथा ऑप्शन है मुकेश अंबानी। तो इनमें से एक ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, स्वामी विवेकानंद के बाद किस संत की मूर्ति लंदन के मैडम तुसाद संग्रहालय में लगाई जाएगी। तो चार ऑप्शन है, श्री रविशंकर, बाबा रामदेव, बाबा आमटे, बाबा बर्फानी। तो इनमें से एक आंसर सही है, आप इसका आंसर अपनी कॉपी पे नोट करते चलिए, वीडियो के लास्ट में आपको आंसर की मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड्स यानी आईफा अवार्ड्स 2018 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला। तो चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए दीपिका पादुकोण, ऑप्शन बी मेहर विज, ऑप्शन सी श्रीदेवी, ऑप्शन डी करीना कपूर। तो यहाँ पर आपके चार ऑप्शन है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इस वर्ष 3 दिवसीय सिंधु दर्शन महोत्सव जम्मू कश्मीर के किस क्षेत्र में शुरू हुआ। तो चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन सी जम्मू, ऑप्शन डी सियाचिन। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर वीडियो में शामिल किए गए। देखिए इन सभी करंट अफेयर की जो साप्ताहिक वीडियो है या फिर जो मासिक वीडियो मंथली वीडियो आती है तो इन वीडियोज में आपके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सिलेक्ट किए जाते हैं जिनके आने की संभावना बहुत अधिक होती है। तो आगे देखिए 9वां प्रश्न है, हाल ही में फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस का खिताब किसने जीता। ऑप्शन ए पॉल रेस्टा, ऑप्शन बी सेबेस्टियन वेटल, ऑप्शन सी लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन डी एन कार्तिकेयन। ठीक है, तो यहाँ पर इन चार ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका सही है। तो उम्मीद करते हैं आपको इसका आंसर पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में शौचालय नहीं दुल्हन नहीं प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर चार ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। तो इन चार राज्यों में किसी एक राज्यों में शौचालय नहीं दुल्हन नहीं प्रस्ताव पारित किया गया है तो उसका आपको नाम बताना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा देश महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक देश है। तो हाल ही में एक सर्वे रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार कौन सा देश है वो दुनिया का सबसे खतरनाक देश है महिलाओं के लिए। अब इसमें चार ऑप्शन है, सऊदी अरब, भारत, पाकिस्तान, ट्यूनिशिया। तो इन चार ऑप्शन में एक आंसर इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया। चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए बैरी बैरिस, ऑप्शन बी लॉरेंस हद्दाद, ऑप्शन सी डेविड नाब्रू, ऑप्शन डी यहाँ पर है विकल्प बी और सी दोनों सही है। ठीक है, इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सबसे सही होगा आपको इसका आंसर देना होगा। ठीक है,
तो इसका आप आंसर नोट करते चलिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। विश्व का पहला विश्व सहिष्णुता शिखर सम्मेलन कौन सा देश आयोजित करेगा? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात जिसको यूएई शॉर्ट में कह सकते हैं, ठीक है, और ऑप्शन सी है इंडोनेशिया, ऑप्शन डी रूस। तो इनमें से एक ऑप्शन सही है, जो भी ऑप्शन सही है आप उसको नोट करते चलिए। इस वीडियो का चौथा 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने उत्तर प्रदेश में कबीर महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी प्रकाश जावड़ेकर, ऑप्शन डी रामनाथ कोविंद, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, तो यहाँ पर जो भी आंसर होगा आप इसको नोट करते चलिए। और अब आ गए हैं इस वीडियो के अंतिम क्वेश्चन पर, तो लास्ट क्वेश्चन है, किस मंत्री ने हाल ही में मोबाइल ऐप ये रीयूनाइट लॉन्च किया है जो कि खोए हुए बच्चों को एक तरह से फिर से उनको ट्रैक पर लाने का काम करेगा? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह, प्रकाश जावड़ेकर, सुरेश प्रभु। तो यहाँ पर जो भी आंसर इसका सही है तो आप कॉपी पर नोट कर लीजिए, और उम्मीद करते हैं आपने 15 में सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि आपने 15 में सभी प्रश्नों के उत्तर सही दिए होंगे, क्योंकि आपने लगातार हमारी वीडियोस को देखा है तो हम इतनी उम्मीद कर सकते हैं आपके सही उत्तर होंगे। तो अब समय आ गया है यहाँ पर देखिए आंसर की का, तो यहाँ पर आंसर की में आपके सभी स्क्रीन पर आंसर दिख रहे हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को पॉज कर आप अपने आंसर को मिलाइए कि आपके यहाँ पर कितने सही होते हैं, और जितने भी आपके सही होते हैं तो 15 में आपके जितने भी सही होते हैं प्लीज कमेंट करना ना भूलें। फिर भी यहाँ पर हम आंसर की के क्वेश्चंस और उनके क्वेश्चन के जो आंसर हैं उनको यहाँ पर पढ़ देते हैं। ऑप्शन ए का आंसर है, क्वेश्चन नंबर ए का आंसर है ए बी सी राम, दूसरे का है बी यानी कि वर्ष 2019, तीसरे का बी है नई दिल्ली, चौथे का डी है नितिन गडकरी, पांचवें का बी है सुनील मित्तल, छठवें का बी है बाबा रामदेव, सातवें का सी है श्रीदेवी जिनको मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला है, आठवें का ए है लद्दाख, नौवें का सी है लुइस हैमिल्टन, दसवें का सी है हरियाणा, ग्यारहवें का बी है भारत, और बारहवें का डी ऑप्शन है दोनों बी प्लस सी यानी बी और सी में जो लिखे हुए थे ऑप्शन वो दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। 13वें का आंसर है यूएई, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात, और 14वें का आंसर है नरेंद्र मोदी, और 15वें का आंसर है डी सुरेश प्रभु। तो ये रहे आज की वीडियो के आंसर, उम्मीद करते हैं आपका वीडियो बहुत ही अच्छी तरह से आपने देखा होगा और आपके सभी उत्तर सही होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।